आलिया मुझे सुख में कोई परवाह नहीं, दुख में दिल गुले आ नहीं। मुझे सुख में कोई परवाह नहीं, दुख में दिल गुले आ नहीं। चाहे आलिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवान तेरी आराधना। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवान तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, भगवान तेरी आराधना। जांजन कुमार प्रभु करेड़ा पार्श्वनाथ के इसी पावन दरबार में अनेकों संतों की निश्रा में खड़े होके, लाखों श्रावकों के निश्रा में खड़े होके अश्रु बहाते कहते हैं, प्रभु मैं छरीपालित संग लेके शत्रुंजय के लिए निकला हूँ। गुरुदेव का आदेश है कि यहाँ जीर्णोद्धार शुरू करें और आगे बढ़ें, लेकिन क्या विघ्न आ रहा है कि मेरा ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिस इमारत को रात में खड़ाता हूँ, दिन में वो टूटता है, दिन में खड़ाता रात में वो टूटता है। प्रभु आप ही अशरण के शरण हो, आप दीन दयालु हो, आपके श्री चरण में जो आ जाता है वो सर्प उपसर्गों से स्वयं ही त्राण प्राप्त करता है। प्रभु जांजन कुमार हाथ जोड़ के प्रभु को प्रार्थना करते हैं, किम कर्पूरमयम सुदारसमयम, किम चंद्र रोचिरमयम, किम लावण्यमयम, महामणिमयम, कारुण्यकेलीमयम, विश्वानंदमयम, महोदयमयम, शोभामयम, चिन्मयम, शुक्लध्यानमयम, वपुर्जिनपते भूज्यात् भवालम्बनम्, पातालम् कलेन्दराम् दबलेन आकाशमापूरेन दिक्चक्रम् कर्मयन सुरासुरनरसेनम् च विस्मापयन ब्रह्मांडम् सुखयन जलानि जलदेपेन चलालोलयन श्रीचिन्तामणि पार्श्वसंवेशो हंसचिरम् दधते पुण्यानां विपणितमोदिनी मणि कामे बगुम्बेसरणि मोक्षेण त्रिणि सुरेन्द्रकरणि ज्योतिप्रकाशारिणि दाने देवमणि नितोत जनश्रेणी कृपाचारिणी विश्वानंद सुधाति निर्भव विदोषी पार्श्व चिंतामणि श्री चिंतामणि पार्श्व विश्व जनता संजीवन स्तमया दुष्टता समवर्णा चक्रम चक्रिणाम मुक्ति कीर्ति अस्त्योपर्मितम सिद्धि मनोवांचित दुर्दैवम दुर्तम चतुर्दिन भयम कष्टम प्रणष्टम मम यस्य प्रोढतम प्रताप तपन प्रोद्यमत्ताम जगज्जंगाल कलिकाल केली दलनो मोहांत विद्वांसकम नित्योद्योत्पदम समस्त कमला केलीग्रम राजते स श्री पार्श्व जिन जनो इतकर चिंतामणि पातुमाम विश्वव्यापितमो हिनस्ति धरणीर्बोर्लाभिकल्पां कुरुदारि
दक्षिणे त्रिभुवन जनबांचा दान चिंतामणि कशिप पदतरु बीजं बोधि बीजं ददातु। अब बड़े भाववाही भावों से प्रभु करेड़ा पार्श्वनाथ के 108 दिव्य नामों से जांजन कुमार वंदन करके प्रार्थना करने लगते हैं। प्रभु आपके पार्श्वधारा नाम छे हजार, कैया नामे लखवी गंगोत्री, पार्श्वधारा नाम छे हजार, कैया नामे लखवी गंगोत्री, रोज रोज बदले मुखा, रोज रोज बदले मुखा, कैया नामे लखवी गंगोत्री, कैया नामे लखवी गंगोत्री। देवेंद्र भाई का बेटा बड़ा हो रहा है, अभी बारहवीं पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ही समय में बड़ा हो जाएगा, शादी करना पड़ेगा। जब मेहमानों के लिए पत्रिका छपानी है आमंत्रण शादी में, तो कितने मेहमान होंगे भाई, कितनी पत्रिका छपाओगे? लेकिन जो संसार के लिए पत्रिका छपाने वाला सोचे कि पार्श्वनाथ के लिए भी मुझे पत्रिका देनी है, तो विचार में पड़ जाएगा कि कितने पार्श्वनाथ को दूं, क्योंकि पार्श्वनाथ लाखों हैं। जूता सवार नाने जूता बपोर मा, जूता सवार नाने जूता बपोर मा, सांझ तमे दीखो छो जूता स्वरूप मा, सांझ तमे दीखो छो जूता स्वरूप मा, पढ़ियो मने आज थारो का, पढ़ियो मने आज थारो का, कैया नामे लखवी गंगोत्री, हजारों लाखों करोड़ों जीव वाला आदिशेष नाग भी अगर जिनकी महिमा को युगों युगों तक गाएं तो गा नहीं सके, ऐसे महिमा बंत श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी की भाववाही नाम महिमा श्री जांजन कुमार करने लगते हैं। ये नाम आप भी हाथ जोड़ के पवित्र भाव से सुनिए। आज कल्याणक का दिन है, कहते हैं कि सादे दिन में 1000 माला जपो ने कल्याणक दिन में 1 माला जपो, दोनों समान फल देते हैं, क्योंकि कल्याणक दिन में अपने आप नक्षत्र ग्रहों का इतना उच्च कोटि का योग होता है, पृथ्वी पर तरंगों का ऐसा योग होता है कि आज के दिन कोई तीर्थ में दर्शन कर ले, आज के दिन एक माला फेर ले, आज के दिन एक तप कर ले, आज के जिन्हें आराधना कर लें, वो जीवन को सफल कर लेता है। तो ऐसे महिमा बंत नाम महिमा को कौन सुनेंगे? हाथ जोड़िए। बोम रीम चिमरम श्री जिनाय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री परम शंकराय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री नाथाय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री परम शक्तये पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री शरण्याय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री सर्वकामदाय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री विघ्नहर पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री स्वामिने पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री सिद्धिप्रदायकाय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री सर्वसत्महिताय पार्श्वनाथाय नमः, बोम रीम चिमरम श्री शीकराय पार्श्वनाथाय नमः,
सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमार्थदाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि देवदेवाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि स्वयं सिद्धाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि चिदानंदमयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि शिवाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमात्मने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परब्रह्माय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमेश्वराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि जगन्नाथाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सुरत ज्येष्ठाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि भूतेशाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि पुरुषोत्तमाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सुरेन्द्राय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि नित्यधर्माय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि श्रीनिवासाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सुबार्णवाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वज्ञाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वदेवेशाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वदाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वतोमुखाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वात्मने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वदर्शने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वज्ञाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि जगद्गुरुवे बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि तत्त्वमूर्तये बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परादित्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परब्रह्म प्रकाशाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमेन्द्रवे बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परप्राणाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमामृत बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अजाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सनातनाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि संभवे बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि ईश्वराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सदाशिवाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि विश्वेश्वराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि प्रमोदात्मने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि क्षेत्रादिशाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि शुभप्रदाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि साकाराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निराकाराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सकलाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निष्कलाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अव्ययाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निर्ममाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निर्विकाराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निर्विकल्पाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निरामयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अमराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अजराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अनंताय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि एकाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अनेकाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि शिवात्मकाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अलभ्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अप्रमेयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि ध्यानलक्ष्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निरंजनाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि ओंकाराकृतये बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अव्यक्ताय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि व्यक्तरूपाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि त्रयीमयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि ब्रह्मद्वयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि प्रकाशात्मने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि निर्भयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमाक्षराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि दिव्यतेजोमयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि शांताय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमामृतमयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अच्युताय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि आद्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि अनाद्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परेशानाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमेष्टिने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परपुमांसे बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि शुद्धस्फटिक शङ्काचाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि स्वयंभुवे बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमाच्युताय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि व्योमाकार स्वरूपाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि लोकालोकावभासकाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि ज्ञानात्मने बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परमानन्दाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि प्राणारूढाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि मनस्थितये बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि मनस्साध्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि मनोध्येयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि मनदृश्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि परापराय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वतीर्थमयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि नित्याय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वदेवमयाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि प्रभवे बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि भगवते बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि सर्वतत्त्वेशाय बार सुनाताय नमः। ॐ ह्रीं चिमरं चि शिवसौख्यदायकाय पार्श्वनाथाय नमः। ऐसे प्रभु की जांजन कुमार स्तुति कर रहे हैं अनेक नामों से। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जैसे ही ये स्तुति करेड़ा पार्श्वनाथ प्रभु के सामने जांजन कुमार करते हैं, उसी समय क्षेत्रपाल देव जो रुष्ट हुए थे वो सोचते हैं कि इतने बड़े प्रभु भक्त, इतने बड़े जिनशासन के भक्त को बिन काम ही मैंने विघ्न करके दुख दिया, ये मेरी गलती है। आज से मैं इनको ऐसी सहायता करूंगा कि अपने आप कब सब काम करेड़ा में सिद्ध हो जाएं।
उसी समय क्षेत्रपाल ने अपनी शक्ति से ऐसा आशीर्वाद दिया, जितने ईंट पत्थर सब पड़े थे वो अपने आप बगर मिस्त्री बगर कर्मचारी सभी मंदिर निर्माण में रूप लेने लगे। रात में जांजन कुमार सो के सुबह उठ के देखते हैं तो पूरा करेड़ा तीर्थ बना हुआ खड़ा मिला। अपने आप देवों से बनाया हुआ ये पावन तीर्थ आज जहां बैठ करके आप दर्शन करते हो, क्षेत्रपाल देव की कृपा जांजन कुमार पर हुई और उसी समय ये करेड़ा तीर्थ बन गया है। और जिन प्रभु के सामने उन्होंने स्तुति की और स्तुति करने से ही उपसर्ग मिट गया और प्रभु की कृपा हुई, इसलिए करेड़ा पार्श्वनाथ को उपसर्ग हरम पार्श्वनाथ भी कहते हैं। शास्त्रों में करेड़ा पार्श्वनाथ का नाम उपसर्ग हर पार्श्वनाथ के नाम से ही मिलता है। करेड़ा तो क्षेत्र का नाम है, करेड़ा क्या है, लेकिन जिस व्यक्ति को कैसा भी उपसर्ग विघ्न हो, जिन प्रभु के दर्शन मात्र से, जिन प्रभु के स्तुति स्तोत्र मात्र से, जिन प्रभु की आराधना मात्र से सभी विघ्न मिट जाते हो, ऐसे उपसर्ग हर श्री करेड़ा पार्श्वनाथ के श्री चरण में आज हम उनकी महिमा सुन रहे हैं। हमारा जीवन धन्य है जो प्रभु के श्री चरण में आज कुछ सुनने का हमको अवसर मिला। ऐसे करेड़ा पार्श्वनाथ की जोर से दिल से मन से आवाज से एक बार जय बोलिए, करेड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो करेड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। रात में एक अनजाना व्यक्ति आपके घर में 12:30 बजे दरवाजा खटखटावे, आपको कैसे लगेगा? अच्छे आराम नींद में सोए हो और अचानक कोई आपको नींद से उठावे, दरवाजा खटखटावे तो आपको कैसे लगेगा? हाँ? हाँ, 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 बड़ा गुस्सा आएगा कि नहीं हेमलता बहन? लेकिन मालूम पड़े कि वो खटखटाने वाला बहुत बड़ा यूं अरबोपति है, पैसा वाला है, उसके आने से बहुत सारे काम होते हैं और बहुत जगह में प्रसिद्धि मिलती है, अब कैसे लगेगा? आने वाले व्यक्ति की महिमा उसके परिचय से होती है, अगर परिचय में मालूम पड़ जाए कि ये सर्वोत्तम है तो आनंद आ जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि करेड़ा में है लेकिन करेड़ा के बारे में जानते नहीं है कि ये प्रतिमा वैक्रिय लब्धिदारी सूरी भगवंत ने अपने वैक्रिय लब्धि से उड़ के आके प्रतिष्ठा की, ऐसे करेड़ा तीर्थ और ऐसा तीर्थ जो क्षेत्रपाल देव प्रसन्न होके जांजन कुमार को ऐसी शक्ति दी कि खटाखट जिस तीर्थ का निर्माण हुआ, ऐसे करेड़ा में हम बैठे हैं जिस प्रभु का नाम ही उपसर्ग हर पार्श्वनाथ है। क्या नाम है? तो मुझे लगा कि इस बार ये महिमा बता दूं ताकि उदयपुर के इधर इस प्रांत के जितने लोग ही नहीं, राजस्थान के लोग ही नहीं, भारत के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि करेड़ा तीर्थ में कुछ हो रहा है, तो उनको मालूम पड़ जाए कि कैसे करेड़ा तीर्थ में बैठे हैं। ऐसा करेड़ा तीर्थ जहां की प्रतिष्ठा भी वैक्रिय लब्धि से हुई। देखो, एक साधारण आत्मा, एक महात्मा, एक दिव्य आत्मा, तीनों में बहुत फर्क है। महात्मा संत ही अंजन चलाका करते हैं लेकिन वैक्रिय लब्धिदारी दिव्य आत्मा ने जिस प्रतिमा की अंजन की उसमें अनंत युगों तक उनका परमाणु की शक्ति भरी हुई है, प्रभु की शक्ति के साथ गुरु की शक्ति, और उस सिद्ध शक्ति को दर्शन करोगे तो कल्याण हो जाए, ऐसे प्रभु। और जिनके सामने खड़े होने मात्र से, स्तुति करने मात्र से बेड़ा पार हो जाता हो, ऐसे करेड़ा पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में जो आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बोलो करेड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की, आज की आनंद की, प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा करते करते अभी बीच में, क्योंकि कई लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, शायद गुजरात के लोग भी बैठे बैठे देखते होंगे। कल मैंने काफी बातें बताई,
कि हमको आरक्षण नहीं, जातिवाद नहीं, विद्वता पर, शिक्षा पर, ज्ञान पर, योग्यता पर स्थान चाहिए इस भारत में। क्योंकि भारत में अगर जिस दिन विद्वता योग्यता के स्थान पर, अगर कोई शिक्षा के स्थान पर, योग्यता के स्थान पर पद मिलने लगेगा, उस दिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे जज, अच्छे से अच्छे लोग इस भारत का संचार करेंगे, भारत का संचालन करेंगे, जिस दिन भारत की महिमा बढ़ेगी। अब इधर देखो तो इस कार्यक्रम को कई लोग देख रहे हैं, गुजरात के खास जितने लोग देख रहे हैं। कल गुजरात में दूसरे मतदान का सत्र चलने वाला है और इधर अपनी अपनी डपली बजाने वाले सब अपनी अपनी डपली बजाते खड़े हुए हैं कि भाई इसको वोट डालो, उसको वोट डालो, उसको वोट डालो, उसको वोट डालो। अब इस कथा के बीच में मुझे दो शब्द कहना है, क्योंकि गुजरात से भी लाखों लोग देख रहे हैं। क्योंकि निर्णय एक वोट का भी किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकता है, किसी दुष्ट को भी लाके राज्य में बैठा सकता है। तो मैं खास करके अभी दो शब्द कल के मतदान के लिए कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि फिर ये मौका वापस मिले ना मिले तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक हंस और हंसिनी बहुत सुंदर जगह पर, बहुत मस्त जगह पर, बहुत बढ़िया जगह पर, किसी तालाब के किनारे, किसी सरोवर के किनारे, किसी मस्त बगीचे के पास रहते थे। उनका जीवन इतना मस्त था, इतने मजेदार था कि पूछो मत। उनके मजे में वो अपने में मस्त रहते थे। हम भी कहते ना, हंस लोड़ी ने आव्यो साते काईने लाव्यो, मोहे माया मा भर मायो, अंधारे अंधड़ायो, हंस लानी माया लागी। हंस लानी माया लागी, लगनी लगी रे हमने दादा दादी, लगनी लगी रे हमने दादा दादी। कृष्ण गिरी सहस्त्र बना शक्ति पार सुनाते भगवान की जय। अब ये हंसले बड़े आराम से जीवन बिता रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, हंसिनी कुछ दाना चुगने के लिए इधर उधर गई तो थोड़ी रास्ता भटकी तो हंस ने विचार किया कि मेरी पत्नी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते हंस भी पीछा गया। हंसिनी आगे निकलते गई, ने हंस पीछे चलता गया, अपना सुंदर तालाब बिछुड़ गया, बगीचा बिछुड़ गया, सुरम्य उद्यान बिछुड़ गया और ऐसे जगह पहुंच गए जहां एकदम वीरान सुनसान रेगिस्तान। अब हंस गर्मी में तपते तपते हंसिनी के पास आके बोलता है, अरे तू कहां निकल के आ गई, ये वीरान जंगल रेगिस्तान में कहां पहुंच गई, कहां भटकती आ गई। हंसिनी कहती है, नाथ मैं तो दाना चुगने आई थी लेकिन रास्ता भटक गई, मैं इस तरफ आ गई। अब दोनों जो हरदम जलाशय में रहते हैं, वृक्षों के ऊपर बैठ के मजा लेते हैं, इधर देखो तो ना तो कोई वृक्ष, ना तो कोई जलाशय, ना कोई ठोर, ना कोई ठिकाना। अब हंस सोचे कि हम कहां बैठे हैं, हंसिनी सोचे हम कहां बैठे हैं, वापस जाने का भी मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी ऊपर से ऐसे पड़ रही है, पीने पानी नहीं, खाने दाना नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन अब क्या करें भाई, जहां फंसे वहीं रहना पड़ेगा ना। मैं कई बार देखता हूँ, कई गांवों में जाता हूँ व्यार करते, रास्ते में देखता हूँ एकदम कांटों के झाड़, जहाँ खाने पीने भी नहीं, वहां भी लोग बसते हैं, वहां भी निवास करते हैं, जिसके तकदीर में जहाँ रहना लिखा हो वो वहां रहता है। अब हंसिनी और हंस बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, इतने में एक उल्लू उधर ही एक चट्टान पर बैठा हुआ था, वो अपने जोर जोर की आवाज से पुकारने लगा।
तो अब हंसिनी कहे के भगवान पहले ही रोटी नहीं, खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, और ऊपर से ये उल्लू जोर जोर से चिल्लाता है, अभी कैसे दिन लेके यहाँ क्या होगा। अब उल्लू पूरी रात जोर जोर से पुकारता रहा, दोनों का नींद हराम हुआ। हंस कहता है सुबह धीरे से अपन उड़ जाएंगे यहाँ से, कोई रास्ता पकड़ लेंगे, अभी शांति से बैठो। हंसिनी घबराई हुई है क्योंकि उल्लू घड़ी घड़ी उसको ही घूर घूर के देख रहा है। अब देखे तो बड़ी मुश्किल पड़े। अभी हंसिनी ने विचार किया कि यहां से सुबह निकलेंगे। अभी सुबह हुआ तो हंसिनी सिर पर हाथ रख के बोले हंस को कि कहां आके फंस गए अपन, देखो अभी जल्दी निकलो, अपने को जाना है। तो उल्लू धीरे से चट्टान से उड़ के आया। हंसिनी और हंस के पास बैठ के बोलता, भाई मेरे कारण तुमको खूब तकलीफ हुआ, बहुत परेशानी हुई, मुझे क्षमा करना भैया, मुझे क्षमा करना। तो हंस बोले कोई बात नहीं भैया, ये तेरा तो आदत है, तेरा नेचर है, नेचर को कौन बदला सकता, भाई तू जैसा है वैसा ठीक है, हम निकलते हैं, धन्यवाद। जैसे ये उड़ने लगे, इतने में उल्लू जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा, देखो देखो ये हंस मेरी पत्नी को लेके उड़ रहा है, मेरी पत्नी हंसिनी को लेके उड़ रहा है, मेरी पत्नी हंसिनी को लेके उड़ रहा है। अब ये सुनते ही हंस को लगा कि ये क्या नई बला लगी, ये तो मेरी पत्नी है। हंस चिल्लाने लगा कि ये हंसिनी मेरी पत्नी है, भाई इसको छोड़ दो, ये मेरी पत्नी है। उल्लू बोलता है पागल, कितने वर्षों से, कितने जन्मों से हम दोनों का संबंध है, तू आज आके बोलता है कि तेरी पत्नी है तो मैं मानने वाला हूं क्या? अभी पंचों को बुलाओ और फैसला कराओ ये किसकी पत्नी है। पंचों का टोला आ गया। पंचों के टोले में उल्लू खड़के बोलता है कि मेरी पत्नी को ये हंस उड़ा के ले जा रहा। हंस कहता है खड़े होके पंचों के सामने, आप तो बड़े हो, सरपंच हो गांव के, आपको तो मालूम ही होगा कि हंसिनी तो हंस का जोड़ा होता है, उल्लू का थोड़ी जोड़ा होता है, तो ये तो मेरी पत्नी है ना, आप क्या फैसला सुनाओगे, ये तो मेरी पत्नी है, मेरा फैसला सुनाओ। अब पंच पांचों मिलकर के, पांच मिले वही पंच, अब पांचों मिलकर के विचार करके कानाफूसी करते हैं। बात तो ठीक है कि हंस की पत्नी हंसिनी होती है, तो पूरी दुनिया जानता है। तो दूसरा पंच बोलता है दुनिया जानने से क्या होगा, दुनिया जान लेगा उससे क्या तेरा न्याल हो जाएगा, दुनिया तो जानता रहेगा, लेकिन अपने को तो उल्लू के साथ रहना है जिंदगी भर।